इस क्लास में हम लोग गोल्स क्या होते हैं ये सीखेंगे, गोल्स सेट करना सीखेंगे, गोल्स ट्रैक करना सीखेंगे, और गोल्स अचीव होने के बाद क्या करना चाहिए हम लोग वो भी देखेंगे। जब हम लोग गोल्स सेट करते हैं, हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का गोल स्पेसिफिक, रियलिस्टिक, टाइमली और मेजरेबल है क्या नहीं। जब हम लोग का गोल हम लोग साफ तरीके से देख सकते हैं, तब हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग का गोल स्पेसिफिक है कि नहीं। सेकेंड, मुझे ये ध्यान में रखना है कि क्या मेरा गोल रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक मतलब मुझे ये ध्यान रखना है कि क्या हम वो गोल पा सकते हैं। फिर स्मार्ट और टाइमली में हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि क्या एक समय के अंदर हम लोग वो गोल पा सकेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेरा गोल टाइमली नहीं है, लेकिन मैं अगर ये बोलता हूँ कि मुझे नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में, जो कि 2 हफ्ते बाद है, वो टेस्ट में मुझे 86% मार्क्स लाना है, वो है टाइमली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गोल्स क्या है वो जानने के बाद गोल्स हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग के पास 3 चैप्टर है साइंस के। टेस्ट 1 का परसेंटेज स्कोर है, हम लोग यूनिट टेस्ट के लिए गोल सेट करेंगे। कुणाल, अगर आपको सोलर सिस्टम में 43% मिला है टेस्ट 1 में, आपको यूनिट टेस्ट में क्या गोल होना चाहिए? 90%। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये 3 गोल टाइमली, रियलिस्टिक है कि नहीं। 90% कुणाल को सोलर सिस्टम में 43% मिला है टेस्ट 1 में, तो क्या 43% टू 90% ये क्या रियलिस्टिक है? तो मुझे क्या होना चाहिए, मेरा गोल क्या होना चाहिए सोलर सिस्टम के लिए? कुणाल, 55। आपको गोल सेट करने के लिए 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट बाद हम लोग आपके गोल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग का गोल सेट करना हो गया है, हम लोग को कैसे ट्रैक करना है। ट्रैकिंग का मतलब क्या है? ताकि हम लोग वो गोल तक पहुंच सके, हम लोग को रेगुलरली चेक करना है कि हम लोग वो गोल की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। जैसे इतिशा ने अभी बताया, इतिशा का एटॉमिक स्ट्रक्चर में टेस्ट 1 में मिला था 43% और वहां से वो यूनिट टेस्ट में 65% उसे मिलने का गोल है। तो अगर मुझे 65% मिलना है, मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर लूंगा और मैं वहां पे देखूंगा कि मेरा गलती कहां पे हुआ है, और मैं ये श्योर रखूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यूनिट टेस्ट ले रहा हूं, मेरे से वो गलती कभी ना हो। गोल्स ट्रैक करने के बाद जब हम लोग का गोल अचीव हो जाता है, उसके बाद हम लोग को कैसे लगता है? स्नेहा, तो जब हम लोग गोल सेट करते हैं, हम लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गोल सेट करने के वक्त, गोल जब अचीव हो जाएगा, तब हम लोग को क्या इनाम मिलना चाहिए।